हमारे सबके परम आदरणीय सर्व समाज सर्व संत समाज जिनका नाम बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लेता है, ऐसे संत हमारे बीच में मौजूद हैं जिन्होंने समय समय पर सर्व समाज को सद्ज्ञान दिया, सन्मार्ग पर चलना सिखाया, उचित मार्गदर्शन किया और धर्म का ज्ञान दिया। ऐसे संत बुद्धगिरि जी मणि फतेहपुर सीकरी से हमारे बीच में पधारे हुए हैं, महेंद्र श्री दिनेश गिरी जी महाराज। और अभी कुछ समय पूर्व ही एक शिव भक्त कांवड़ियों पर कुछ अत्याचार हुआ, उस अत्याचार के विरोध में महाराज जी ने बहुत ही सर्व समाज को एकत्र करते हुए एक नेतृत्व आपके नेतृत्व में एक बंद का और आह्वान चलाया गया, जुलूस वगैरह किया गया और आपके विशेष सहयोग से नेतृत्व से अन्याय पर न्याय की जीत हुई और न्याय कायम हुआ। मैं बहुत सभी सर्व समाज से पधारे हुए महानुभावों से एक बार जोरदार तालियों के साथ महाराज जी का स्वागत करूंगा। मैं महाराज जी से एक बार निवेदन करूंगा कि यहाँ मंच पर भगवान श्री राम का चित्र कैसे बिठाया जाए और धर्म कैसे लागू हो, कैसे सर्व समाज उन्नति करे, कैसे सर्व समाज आगे बढ़े, सभी मार्गदर्शन करना संत का काम होता है और ऐसे ही परम संत हैं दिनेश गिरी जी महाराज। तो उसके लिए महाराज जी ने कार्य किया जो अति उल्लेखनीय है। मैं हमारे बीच में पंडित ब्रजमोहन जी सरोलिया जी मौजूद है, मैं पंडित जी से निवेदन करूंगा कि महाराज जी का तिलकार्जन कर महाराज जी का स्वागत करें। तरीके से उस अन्याय के खिलाफ
जनता को लोगों को हिंदू समाज को लाभ पहुंचाया और उनको न्याय से अन्याय के खिलाफ लागू किया और उनको न्याय दिलवाया। आपका इस प्रधानमंत्री की धरा पर जब 5 तारीख को बंद करने का निर्णय हमारे कुछ लिया और महज 1 घंटे के अंदर जब हमने बागड़ापुरम ब्राह्मण सेवा समिति में जब मीटिंग बुलाई तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ा आत्मा से सुख आनंद हुआ कि 150 कार्यकर्ता 1 घंटे के बुलावे में बागड़ा भवन के परिसर में आ गए और उन्होंने कहा तन मन धन जो भी होगा हम उनके हाथ के साथ में और 5 तारीख को दिनेश गिरी जी महाराज के सानिध्य में हमें भारत सुधागर बंद करवाना है। मैं उन लोगों का बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। महाराज के प्रयासों से फतेहपुर के अंदर शिवभक्त कावड़ियों के जो तो न्याय हुआ था उनका निराकरण महाराज ने करवा दिया। जनता का तो सहयोग प्रशासन का तो सहयोग रहा और हम सारा कार्यक्रम उन्होंने करवा दिया। उसके बाद में इन युवा साथियों के मन में थोड़ी ये हुई कि नहीं हम महाराज का स्वागत करना चाहते हैं। हमने महाराज से निवेदन किया, महाराज ने कहा मैं 5 तारीख को जब आप कहोगे तब आ जाऊंगा। मैं महाराज का धन्यवाद देता हूं और ये आशा करता हूं कि जब भी खिलौनगढ़ क्षेत्र में जब भी हमें आपकी आवश्यकता पड़ेगी आप हमारे बीच में मौजूद रहेंगे। जय श्री राम। जय राजस्थान में ख्याति प्राप्त हिंदुओं के रक्षक, गौ माता के रक्षक, युवाओं की धड़कन, आपके चरणों में नमन करते हुए मां भारती को याद करते हुए आज का दिन हम नौजवान साथियों के लिए हर एक गौरव का दिन महसूस हम करते हैं। महाराज जी के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए आपके नेतृत्व में जो कुछ दिन पहले हिंदुओं के खिलाफ, शिव भक्तों के खिलाफ, हमारे कांवड़ियों भाइयों के खिलाफ जो रचना रची, जो घटना हुई, जो उन पे ऊपर अत्याचार हुआ, वो प्रताड़ित हुए, महाराज श्री जी के नेतृत्व में एक आंदोलन, एक रक्षा की आवाज, एक अत्याचार के खिलाफ आवाज आपने उठाई, जिस कारण से वो अंगड़ाई लड़ाई के रूप में होती हुई एक आंदोलन, जिन लोगों ने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया, कावड़ियों के ऊपर अत्याचार किया, उनको नहीं बख्शने के आग से आपने शपथ ली और लोग आपके साथ हुए और उस लड़ाई को आपने अंजाम तक ले जाने का काम किया। कम होगी लेकिन मैं बताना चाहूंगा मेरे दो नौजवान साथियों, राजस्थान के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर महाराज श्री का एक गौरव के नाम से एक नाम पहचाना और जाना जाता है। महाराज श्री ने आवाज उठाई, महाराज श्री ने इतना यहाँ तक कह डाला कि मठ का एक नियम है, एक कहावत है, 200 साल पुरानी, अगर मेरे को हिंदुओं के लिए कुछ भी करना पड़े, गौ माता के लिए कुछ भी करना पड़े, हमारे भाइयों के लिए कुछ भी करना पड़े, वो एक नियम कहावत है। फतेहपुर में मठ भी विराज धर्म के धर्म का प्राणियों में विश्व का भारत माता की राम जन्मभूमि की वंदे वंदे कोने कोने में पहुंचकर धर्म जागरण कर रहे गौ सेवा का संदेश दे रहे समाज में जागृति भाव रहे आज हमारे बीच विराजमान है। मैं हृदय से विनम्र भाव से
आपके चरणों में वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज की इस विषम परिस्थितियों में, आज के इस जटिल राजनीतिक वातावरण में आप समाज के रक्षक होकर के, समाज के रक्षक बनकर के अपनी भूमिका निर्वाह कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको दर्शन लाभ मिला, इसलिए भी मैं आपको वंदन और अभिनंदन करता हूं। नागरिक बंधुओं, संतों का अभिनंदन वंदन हम सब लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। जब जब संत जागृत अवस्था के अंदर चेतन अवस्था में समाज के बीच जुड़ करके, समाज के बीच रह करके अपना जीवन जिया है, वो समाज हमेशा सुदृढ़ मजबूत सिद्ध रहा है। परिस्थिति जन्य हम ये सब बातें बैठ करके करने का अवसर आया। आज का दिन आपके नेतृत्व में उतर करके आपके आंदोलन को बल देने का दिन था, परंतु ये संघर्ष का दिन एक सम्मान उत्सव कार्यक्रम में बदला। आपका आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। संत मेरी दृष्टि से और मेरे पे समाज के लिए कोई संकट होता है, समाज की कोई परीक्षा की घड़ी होती है, ऐसी स्थिति में शांत संत भी समाज के बीच आकर के उदरित होकर के क्रांति का बिगुल बजाते हैं। समय समय पर समाज के अंदर संतों द्वारा इस प्रकार का आह्वान हर समय होता रहा, आज भी हो रहा है। मैं तो महाराज जी से निवेदन करते हुए यही कहूंगा कि समाज का नेतृत्व आज भी हिंदू समाज का नेतृत्व, हिंदू समाज अपने आप को संतों का ही नेतृत्व मानते हैं, संतों का ही नेतृत्व में आज समाज जागृत होता है। भलाई कहने के दृष्टि से शासन और प्रशासन हम मान लें, भलाई आज के राजनेताओं में भी मान लें, परंतु आज की दृष्टि से हम मूल्यांकन करें तो इस प्रकार के राजनीति में भी कार्यकर्ता बहुत कम बच गए हैं, शासन प्रशासन में बहुत कम लोग बच गए हैं जिनमें समाज आज अपना नेतृत्व मानने के लिए तैयार हो जाए। आज इन विशुद्ध परिस्थितियों के अंदर मैं इस बात के लिए आभारी हूँ कि आपने शासन प्रशासन की चिंता किए, राजनीति की चिंता किए, आप समाज के अग्रसर बन करके आगे आए और फतेहपुर की लड़ाई केवल फतेहपुर की नहीं थी, ये पूरे हिंदू समाज की थी, हिंदुत्व के लिए एक चुनौती थी और इस चुनौती का आपने सामना किया। कांवड़ियों पर जिस प्रकार से अत्याचार किए गए, वाला के साथ किया गया, उनका विरोध महाराष्ट्र ने इनके नेतृत्व में वहां किया गया और सफलता भी उसमें मिली, क्योंकि वहां जो अतिक्रमित थे उनको सरकार ने एपीओ करके और जिन सिर्फों के मुखबिर थे उनको हटा करके और एक अच्छा संदेश दिया, वो दिनेश की महाराज की देन है। इस मौके पर बहुत बहुत इनका आभार व्यक्त करता हूँ। इन जैसे संतों के सानिध्य से ही समाज का भला होगा और सारा समाज द्वारा आज इनका जो अभिनंदन समारोह रखा गया है, मैं आप सबको भी बहुत बहुत बुरी इनका आपकी प्रशंसा करता हूँ। हमें सुजानगढ़ वासियों का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहिए उन आयोजकों का जिन्होंने इतने महान संत के दर्शन करने का हमें अवसर प्रदान किया, इसलिए जोरदार शुक्रिया। मुझे गर्व है इस बात का कि हिंदू समाज के अंदर ऐसे ऐसे महान संत बैठे हैं जो हर हिंदू समाज जो सोया हुआ है उसको जगाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, जहां तक मेरा नजरिया है, तकरीबन 50 सालों से वर्तमान की स्थिति के अंदर हिंदू समाज, पूरा हिंदू समाज एक मंच पर है और वर्तमान के अंदर तकरीबन 2-3 महीनों से आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए, कुछ लोगों को इस बात को सहन नहीं कर पा रहे कि यह हिंदू समाज आखिर एक मंच पर क्यों है। पूरी की पूरी साजिश लगाई जा रही है, अभी वर्तमान में देख लो, पूरी की पूरी साजिश लगाई जा रही है कि हिंदू समाज की जो दो बुझाई थी उसको एक अलग अलग कैसे किया जाए। आज महाराज इनकी अहम बुझाएं हैं द
दलित समाज और श्रम समाज, जब इन दोनों सुझावों में कुछ अंतर आ जाएगा तो मेरे ख्याल से निश्चित रूप में हिंदू समाज पर भी संकट आने की घड़ी आ सकती है। इसलिए महानुभाव से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इन दोनों सुझावों को कायम रखना है। और इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू समाज में पैदा हुआ और हिंदू समाज की आन बान शान के लिए जान की बाजी भी लगा सकते हैं। दोस्तों, एक इतिहास जानना जरूरी है कि हम कहां से उठे, हम कहां से पैदा हुए। मैं अपने समाज के बारे में बात बोल दूं कि मुगल समाज का मुगल साम्राज्य जब हिंदुस्तान मुगलों के से अत्याचार और कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं उनको अलग करें। जय हिंद जय भारत। सब शांति से विराजे कुछ देर जगह के मायने गांव गांव में ढाड़ी ढाड़ी में शहर शहर में एक से एक सिद्ध संत हुआ तपस्वी हुआ जगह के आशीर्वाद से जगह की प्रेरणा से अब आज भी सत्य के मार्ग पर चला। हिंदू समाज की तरफ से सनातनी लोगों की तरफ से कदे भी कोई असामाजिक कार्य अकृत्य कार्य सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने को कार्य आज तक कदे हुई हो सिख पार्टी के इतिहास में अगर कोई हुई है तो मैं बताओ हुई होगे तो सबसे बड़ा कारण यही है कि आप संतान की प्रेरणा से साधुओं के आशीर्वाद से और बाकी बताए गए मार्ग पर आप चलना जरा कदे ही आप गलत मार्ग पर गलत कार्य कौन करा कोई को प्रणाम प्रणाम। लेकिन इको मतलब यो को नहीं कि आपा ने कोई छेड़ा आपा कोई ने नहीं छेड़ा तो आपा ने कोई छेड़े तो आपा सहन कर आपा कोई ने गाली को देवा आपा कोई ने मारा को नहीं आपा कोई कैसा आगे दुर्व्यवहार कौन करा। लेकिन इको मतलब यो तो करे कि आपने सागे कोई दुर्व्यवहार करे आपने सागे कोई मारपीट करे तो आपा भी तीन बंदर बनकर बैठ जावा तो आपने भी कोई इंसानियत को अपने भी अपना कोई महापुरुष संत पुरुष या अपना ऋषि मुनि अपन को सिखा कर गया भगवान श्री राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण से लेकर अपना जितना भी महापुरुष था तो सब भी जब भी धर्म पर धर्मवादी लोग जगह अत्याचार करो तो धर्म की रक्षा के लिए मैं हथियार भी उठाया युद्ध भी करो रात के 9 बजे के 10 बजे की घटना है। इतनी घटना होने के बाद पूर्व हफ्ते पर मैं तनाव की स्थिति पैदा हुई लोग आगे इकट्ठा होगा पुलिस भी आ गई उस पर हाजिका भी इकट्ठा होगा सारी समझाइश करके बातचीत करके पुलिस प्रशासन भी और समझदार लोग भी इस मामला में शांति करके और ठीक हो लोग ठीक है जो अपराधी है वहां मुद्दे को दर्ज कर लियो है और दो तीन ने पकड़ लिया है बाकी का और पकड़ लेना शांति बनाई रखो मेरे की शांति की अपील करी पूरी रात में शांति रही कोई सांप्रदायिक सवार कोई अनुभव कोई भी गिड़ो पूरी रात लेकिन पुनः सुबह कावड़ तो ठीक होनी एक शहर के जो प्रमुख मंदिर है प्रमुख मंदिर के वाले शनाजी के मंदिर में पहले रात में बैठे रुकेगा फिर सुबह जब दोबारा के भैया ठीक है थे प्रशासन कार्रवाई को आश्वासन दी हुए गिरफ्तारी करने को केस दर्ज करने को तो भैया कावड़ तो चढ़ा दिया बोले हाँ प्रशासन बोले आराम से थे कावड़ चढ़ा दो डीजे मत लेकर जाओ तो ठीक है डीजे को लेकर जाओ तो सुबह जब दोबारा कावड़िया और वहाँ के साथ शहर का 250-300 लोग रहा जगह दोबारा कावड़ चढ़ाने के लिए बेचारा उसके से कोई 50 कदम चलिया होगा ये घटना घटी क्यों हुई कहीं आयो आज तक कोई समझ में को नहीं आई पुलिस वापर इतो बर्बरता से लाठी चार्ज करियो इतो बर्बरता से लाठी चार्ज करियो जो आप आज तक आंसू गैस का गोला छोड़ने की नौबत मन मेरे समझ में को नहीं आई क्यों पड़की वह रबड़ की गोलियां चलाई घर में घुस घुस कर अपनी माता बहना ने भी मारा आ घटना इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी कि पहले तो पहले मारे पर हम लोग करियो आप शांति से मेरे कावड़ चढ़ाने के लिए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन माने क्यों मार रही है कोई यार की विरोध की स्थिति को नहीं थाने पूछ कर भेजा रहे हाथ की बोले डीजे मत ले जाओ डीजे को ले जा रहा है क्योंकि बाद में भी यह स्थिति घर के माए ने की आपने जो एक ग्रामीण परिवार में घर कर घर में घुस कर माता भाड़ा का संग दुर्व्यवहार करे के कारण एक सदमे से भी दूसरे दिन भी घर में आपने बुजुर्ग माता ही की मृत्यु भी होगी सदमे से भी आपको माहौल क्योंकि आपने घर में पुलिस वाला हजार मारपीट करे तो भाई स्थिति कहीं कि बड़ा बुजुर्ग देखे तो एक दलक तो बैठे ही बूटी माँ ही की मृत्यु भी होगी स्थिति बढ़ने के बाद में ये 10 बजे की दूसरा दिन 10 बजे की घटना हुई
पूरे शहर के माइंड पर चर्चा फैली, तुरंत ही बाजार बंद हो गए, लोग ऐसे कहा बाजार धरने पर बैठ गया। शाम होते होते कुछ समझाइश हुई, कुछ आश्वासन हुई, कुछ एक बोलाने की कार्रवाई हुई, बाजार खुलवाए और कावड़ वापिस सटी कार्रवाई के आश्वासन के साथ। वो धैर्य रख के थे, समझ यू ने इन चीज ने घटना समझ यू तो कुछ सहन करके भी वे लोग अपन मारे आप पुलिस प्रशासन अपन मारे आप नशा के तो अत्याचार करो भी के बावजूद भी कितो धैर्य अपना लोग हिंदू समाज पूरे राखियो कार्रवाई के आश्वासन पर नेता लोग सरकार कार्रवाई को आश्वासन दियो भी आश्वासन के साथ बाजार भी खुल को कावड़े पे चढ़ा दी और भी आश्वासन के इंतजार भरे आप कि जो सरकार आश्वासन देकर गई है भी फिर कार्रवाई होसी बाकी का जगह लोग है गिरफ्तार होसी पुलिस प्रशासन गलत तरीके से अत्याचार करो लाठीचार्ज के अधिकारी अधिकारी भी वहां पर भी कार्रवाई हुई थी कार्रवाई भाई लेकिन कार्रवाई उन्होंने छोड़कर कोई सांस ही होने का कुछ भी हो रही हो 19 तारीख 20 तारीख की घटना से लेकर 27 तारीख तक कुछ भी को नहीं हो कुछ भी नहीं लगे कि प्रशासन सारो काम भूल गो कुछ योग नहीं हुई हो कोई बात को नहीं और अपना लोग पूरा हिंदू समाज पूरा फतेहपुर तो चेहरा इसी तरीके से मुरझा गए क्या अभी के मतलब मारे पुलिस मारे वे लोग मारे उनके बाद कोई कार्रवाई को नहीं मार नहीं मार नहीं कर मैं मानी मार के कुछ भी नहीं हो तो फिर एक स्वाभिमान को एक अस्तित्व है को आपने जो एक नाक को सवाल हो सब लोग आगे यहाँ चरम होगी लेकिन राजनीति के चपेट में को कार्य चढ़ दू लेकिन बाद में वर्तमान में साधुओं को कार्य है कि धर्म की धर्म के ऊपर कोई खुटारा का हाथ करे और संत लोग चुपचाप मारे बैठे बैठे मरा फिर यहाँ की तो परिस्थिति मालूम है समझ में ही बनी है मार्गन भगवान शंकर की प्रेरणा से ही और हिंदू समाज की एक चेहरे की उदासीनता और एक फीको पर देख कर यह प्रेरणा जागी कि हमारे समाज में पूरे जगाड़ से 27 तारीख ने एक बहुत बड़ी सभा हुई सारी चर्चा हुई सारो विषय रखियो सब लोग इकट्ठा गया टोटल समस्त हिंदू समाज टोटल टोटल हिंदू समाज एक जादन पर एक जगह बैठ कर बोल रहे संता के सानिध्य के हमारे संता के संरक्षक में और संता के प्रेरणा से मार्गदर्शन में आपके लिए तैयार हाँ आप अपने जगह एक हिंदू धर्म के स्वाभिमान की जगह लड़ाई है आप थाना लड़ दिए बे सब थाना सागा और भी दिन घोषणा हुई 27 तारीख ने 30 तारीख तक थे ऐसे की कार्रवाई है ऐसी कार्रवाई करो ने 31 तारीख से हमारे प्रदेश से ऐसे कालबंद रहे हो आप घोषणा करने के बाद निश्चित मार्ग होगा इलाके की कोई कार्रवाई होगी लेकिन 30 तारीख तक की कोई कार्रवाई को नहीं हुई 31 तारीख ने फतेहपुर शहर बंद रहे हो सहयोग के हमारे लक्ष्मणगढ़ भी बंद रहे हो रामगढ़ भी बंद रहे हो डबलगढ़ भी बंद रहे हैं 3 दिन तक बंद की कार्रवाई चली अनेक शहर चूरू रतनगढ़ सारा बंद रहे खूब सहयोग रहे हो और 3 दिन तक आंदोलन चालू इन तरीके से एकदम शांतिपूर्ण सब इतनी गजब तरीके से शहर भी जो बंद हुई हो कोई भी बंद कराने की आवश्यकता को पड़ी कोई हिंसा को नहीं हुई कोई बदमाशी को नहीं हुई युवा लोग हमारी तो उग्रता ही तो जोश हो लेकिन बावजूद भी साधुओं के आदेश के कारण साधुओं की प्रेरणा के कारण कि साधु जो बोलेगा वही कर लो कोई यार की आवश्यकता को नहीं हुई बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ो आपने प्रशासन से लड़ाई होगी प्रशासन आपने सामने आ गो लेकिन बाद में बहुत लंबी घटना चली कुछ कार्रवाई आश्वासन ही आश्वासन चलता रही कुछ हुई ही बोनी लेकिन सुजानगढ़ ने मैं विशेष धन्यवाद ही लिए थे उनको कि तीसरे दिन जब सुजानगढ़ आ थे लोग बंद की घोषणा करता है काम को आ देखो कितनी बड़ी फतेहपुर तो 3 दिन बंद रहे रामगढ़ 3 दिन बंद रही हो लक्ष्मणगढ़ बंद रही हो नवलगढ़ चिड़ावा राजदेसर रतनगढ़ खटकगढ़ सब बंद रहे लेकिन सुजानगढ़ आला तो बोलिया सुनो आज आज कार्रवाई कर दियो नहीं काल मारो सुजानगढ़ है बंद अतमी लेटर आगो ज्यादा ताकत थारी अरे पहले ही बोल देता थे पहले ही काम हो जाता हां लोग के लिए थे लोग मतलब पूरी ताकत लड़ाई तो डरया बताओ बेबंद करके बैठा कौन डरया थे हर बंद करने के नाम से ही करके सगड़ा एपीओ होगा सगड़ा सस्पेंड होगा जो भी अपना कार्रवाई चावा एक साले कार्रवाई हुई बहुत बढ़िया रही हो एक जागृति आई हिंदू समाज एक जगह हो आपने सागे बार बार से किया घटना घटे ये घटना ने अब तो मन को लगे ही मोमेंट से कोई कई सदियां भी कोई सोचे ही को आपने सागे कोई गलत काम करने को आपा कदे करा को नहीं लेकिन आप सेल भी बहुत तो बढ़िया हो रे पूर्व जगह बार मैं बोल लिया कि नाम मांगो पहले नाम मांगो गंगाधर जी की बात बोले आप बहुत बड़ी बात है आपने समाज के मन जी की सबसे बड़ी जी की बात है ना वे दो ही बात है
पहले तो है कि राजनीतिक कारण से आप समाज भटको, वो दलित, वो महादलित, वो सरवण, वो प्राण, वो की है। आप हिंदू हाँ, एक रामेश्वर जी की औलाद है, एक परमेश्वर जी की औलाद है, एक महेश जी की औलाद है, एक शंकर जी की औलाद है, इतनी तो प्रकट है। तो अपना महेश जी भाई आजादी के बाद से चल रही हो, आप तो और ज्यादा चल रही हो। कोई तो मंदराम जाने से आप रोका कि कहते पूरा दलित समाज हमारे साके बैठे हैं हमारे मंदिर में, हमारी 200 साल पुरानी मट्टी है, ऐतिहासिक स्थान है, सगड़ा लोग हमारे मतलब चला चला बढ़ाऊ को नहीं, मतलब गुरु गुरु अपना आपने समझो को नहीं, कोई चला चढ़ के बात भी को नहीं, लेकिन मेरा कोई प्रेम ही समझ लो, कोई भक्त समझ लो, कोई चला समझ लो, अगर ही तो सबसे ज्यादा मैं कोई दलित दलित नाम बोल लू लेकिन लोग समझे को नहीं, इसलिए बता रहे हो सबसे ज्यादा मेरा वाल्मीकि भाई मेरा चेला है, मेरा सब मेरे कहना की एक डिपार्टमेंट का काम करियो अभी और आप भी बेगा हुआ सुनो पे तो जगह कर रिया लेकिन आप भी कब बेगा हुआ। फिर दूसरी बात वो कांग्रेसी वो बीजेपी वो प्राण वो डिकट अरे कहीं वोट देना, वोट देना तो प्रजातंत्र को नियम पड़ेगा, संविधान पड़ेगा, आपने भारत को जब जब भी चुनाव है जब वोट देना तो दे दो, जो वोट देना जब था कांग्रेस बढ़िया था, कांग्रेस को था बीजेपी बढ़िया आ लगी पा लगी, लेकिन देख आपस में क्यों लड़ा, आपस में लड़ाने भी कोई वो कारण है कि इतनी हिम्मत हो जाए कि आपने पर बांटा पड़ गया आपने गाया हजारा कोशिश करने के बाद में भी हिंदू समाज एक जगह को नहीं हुए, लेकिन इस शिवजी का तांडव से शेखावाटी को हिंदू समाज को एक जगह हुई हो को नहीं हुई हो, इस हमेशा नाराज हुए अपन को नेताजी की कोई अभिनेता जी की कोई सामाजिक सामाजिक जो व्यक्ति एपी की बात को माननी अपन साधु की बात माननी है, साधु भाई बोले को जिसकी सत्य होगी, साधु कोई स्वार्थ की भाषा को बोले, नेताजी फिर भी स्वार्थ की भाषा बोल सके, सामाजिक व्यक्ति फिर भी कोई स्वार्थ की भाषा बोल सके, लेकिन बताओ कोई साधु स्वार्थ की भाषा बोले को ये चाहे साधु मेरे थारी लड़ाई के लिए मठ मंदिर आश्रम छोड़ कर आया, महाराज जी का बात बोल लिया, हमारे फतेहपुर की परंपरा है, हमारी जी की पीठ है, भी पीठ की परंपरा है कि फतेहपुर से मारुवार स्थान है कुछ किनारे पर स्थान है जंगल के माई गुरु जी मंडी जी का कई आयडा तो जाने फतेहपुर से कुछ बारह स्थान है, तुम्हारी 200 साल से परंपरा है कि बुधगिरी मंडी की पर कोई भी गद्दी पर जो बैठे हैं वो फतेहपुर शहर में प्रवेश होते हैं, कोई कार्यक्रम कितो भी महोत्सव कुछ भी, हालांकि फतेहपुर का टोटल लोग टोटल हिंदू समाज फतेहपुर को बुधगिरी जी की मंडी पर आवे दोगते बिना आशीर्वाद बिना कोई काम कर गया, लेकिन मेरे फतेहपुर में प्रवेश होते हैं मर्यादा है पहले से बढ़ी है, लेकिन मैं इन तोड़ने के लिए भी मैं घोषणा करती कि अगर धर्म की रक्षा टूट रही है, मारो हिंदू समाज टूट रही है, धर्म पर आघात हो रही है, तो माना अगर आप परंपरा भी तोड़नी पड़ी तो तोड़ाकर फतेहपुर में भेजा हुआ समाज संत समाज आपके लिए हिंदुओं के लिए इतनी परंपरा तोड़ने के लिए सब कुछ करने के लिए मर्यादा भूलकर सड़क पर आने के लिए सरकार से लड़ने के लिए सारों खतरों मोल ले रहे संत, तो आप हन भी समझ रहे कि आ सकता है कि आप संता के मार्गदर्शन पर चला संत जी की बात बतावे भी बात में गांठ बांध कर आप रखा कि हिंदू पटनो नहीं चाहिए, हिंदू टूटनो नहीं चाहिए, हिंदू हिंदू अपन कोई जाति से मतलब को नहीं, कोई दलित मादली से कोई मतलब को नहीं, हिंदू से हिंदू कुछ भी कर सका लेकिन मैं हिंदू दरबार को छोड़ा भी कह लिया यो वो चीजा की निवादा चल रही है षड्यंत्र का माइन आप आज भी आ रहा है, आप पिछले 5 साल साल से तो षड्यंत्र भयंकर चाल रही है, भयंकर बीच का माने फिर भी तो कौन चाले हो आप जद जद आ रही है हिंदुड़ा एक जगह हो रहा है, जद जद सही है वामपंथ की लोग विदेशी विचारधारा का आपने का जगह विरोधी जो भी विरोधी समाज राजनेता विभाग के साके है, बड़ी बड़ी मीडिया विभाग के साके है, विदेशी लोग भी सब साके है, लेकिन अपन समझ रहे की आवश्यकता है कि आप भी षड्यंत्र मामानी अपन सब जगह एक जगह बैठना चाहिए, अपन सबके सब जगह जाना चाहिए, अपन कोई भेदभाव नहीं, अरे अरे पूरा गुण है जगह का पूरा विचार वो गुरु जो गलत काम करे जिसको गलत जाति से कोई गुरु है कि ब्राह्मण अगर ब्राह्मण विप्र कुल में कोई अगर जन्म ले लियो और वो गलत काम करे जना वो भी दलित से पड़ी है बताओ बताओ तो काम गुरु है कोई जाति तो हिंदुओं में कोई जाति पूरी आज ही बनी एक भी जाति पूरी बनी हिंदुओं के हमारे कर्म गुरु है, अरे कर्म आप हिंदू समाज में कोई कर्म बुरा को नहीं करते कोई आप धर्म को काम कोई करे कोई काम फतेहपुर में सारी जगह घटना घटी है, ये सब शंकर भगवान की शिव जी की करवाई है देवी देवता ही कराई है, शेखावाटी की जरा तो नाटक हुई है पूरा
देवी देवता की कृपा से मैं बताऊं, नहीं कोई बहुत बड़ी, कोई पांच जना पांच कावड़िया मार लिया भी के लिए कोई दस शहर बंद हुए, अरे तो माहौल बड़े कोई जरूरी को नहीं, ये संत सिखावे। लेकिन शंकर भगवान की रचना ने चढ़ी के सिख कावड़ी की तरह, जो कि पूरे भारत के मान संता की भूमि है, वीरा की भूमि है, दान वीरा की भमासा की भूमि है, लेकिन मानो के हुए है लोग क्या सोगा हिंदुड़ा क्या पटका वो के हुए है शिव जी देख लिया फिर जद या रचना रची पापर लाओ या ये लेन देन हुआ सब चोया सगला हिंदुआ ने साधुओं ने जगाया साधुओं ने मठा से बाहर निकलवाया और सारा ये सब काम जद हो गया। आज की घटना घटी है, ये घटना से आप सैकड़ा साल के इतिहास तक आप जो बड़ा खिलाफ हो जाए कि आप धर्म टूटे नहीं। और आप देखो कोई आपने कोई भी विरोधी समाज के खिलाफ कोई लड़ाई को नहीं, कोई ना आप डराने की कोई आपने बात को नहीं कि मैं कोई डरा रहा था, कि कोई को धर्म तोड़ रहा था, कि मैं थाने गाड़ी काट रहा, मारो कुछ ही बोली। लेकिन हमारी आई बात है कि मारे सा के कोई अत्याचार, मारे सा के कोई अन्याय और हमारे विरोध के माने कोई काम करे फिर भी लोग सैन बन करा। और अपने एक जगह लड़ हुए युवा का कार्यकर्ता है, युवा का लोग है, ये भी सर ज्यादा समझे, बड़ा बुजुर्ग भी है ये भी सर ज्यादा समझे। और आप आपके शहर में आपके गांव में आपके परिवार में जिनको क्रोध याद रखे कि आप बहुत क्यों है, अन्यथा तो है कि आप रोटी कपड़ा मकान बच्चा पाड़ो पैसा कमा लो और जयराम जी की अरे खातिर थोड़ी जल में हाँ इतनी खातिर थोड़ी जल में हाँ कमा लिया दो दो बच्चा पैदा कर लिया अरे पैसा पैदा कर लिया जयराम जी की अरे गैर से के उठे इतिहास को देख लो अगर यार को नहीं उड़ा हुआ तो भी बताओ इतिहास को देखो गैल के काल के इतिहास के माने के हुए वो तो कोई जगत गुरु शंकराचार्य जी अपना ऋषि मुनि जी का महापुरुष था बाकी प्रेरणा से बाकी साधुओं का आशीर्वाद से आप लोग धर्म वापिस मत गो निपी काल के इतिहास में देखो एकदम खड़े उठा कर रहवाना तो आप बोल रहे हो कि लिया मन वो सारे रेणु है सारे से रेणु है अपन कोई इसकी दुश्मनी को नहीं कोई भी आपने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आपने कोशिश को नहीं लेकिन बाबा आपने कर्तव्य पर आपने अटल निष्ठ रहो आपने कोई स्वाभिमान पर आपने कोई धर्म पर आपने कोई आस्था पर हाथ नहीं उठावे आंख नहीं उठावे और चर्चा भी नहीं करे इसके लिए आप मजबूत भी रहो आपने शास्त्र बतावे अपना शंकर भगवान अपना कृष्ण भगवान सारा अपन शिक्षा देकर गया है प्रेरणा देकर कृष्ण भगवान खुद युद्ध लड़े लड़ियो को लड़ियो क्या के खिलाफ है धर्म के खिलाफ आप बाकी गीता जी पढ़ा बाकी कथा पढ़ा हमारा रामायण जी पढ़ा लेकिन अपन आगे कौन सोचा कि अधर्म अगर सामना आवे तो अपन भी लड़ना चाहिए। सुजानगढ़ के आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत आभार और मन तो मेरे को सुजानगढ़ वाला सभी यहाँ डरे कि नाम से ही काम बहुत फायदा के नाम से या पर प्रशासन के तरफ
सभी कोई यहाँ क्या नहीं करते हो यहाँ पर लोग दिया किसे बंद कर दियो तो हर भी सोचना तो नहीं चाहिए पहले दूसरा आपको सोचना होगी तो आप थोड़ी हो बस नहीं तो सोचना ही नहीं भी ठीक है आपका देना क्या करना फिर सर अपने पास बोल आके सर आके भाई अपने को क्या पर ही देना था छोड़ आप सोचो फिर साथ दो हाँ तो एक वहाँ जाके क्या अपन देता सर खुद ही आके इतना सवाल किया अपना या खुद क्या पर देना था फिर क्या नाम है कितना बढ़िया ठीक है।